यहाँ चारों देवेंद्र यादव यहाँ पे मौजूद है, हम सबको जेल के अंदर डाल दीजिए। क्या के ताले टूटेंगे, नारायण भैया छूटेंगे। तो 70 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें से कुछ कांग्रेस पदाधिकारियों के नाम भी है। इसके बाद जब महादेव ऐप के मामले में सीबीआई जांच करी है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भूपेश बघेल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। गुंडागर्दी तो चल रही है, पहले ही कर चुके हैं गुंडागर्दी, निर्दोष को अंदर करके। वो दो हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, NSU का जिला अध्यक्ष है, उसने क्या किया था? वो कुछ किया था क्या? लेकिन उसको उठा के डाल दिए, वो गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? अपने आकाओं के सिस्टम से चल रहे हैं। बता देना चाहता हूँ, कांग्रेसी हमेशा बोल रही है कि हम सतनाम समाज के साथ है। ऐसे में जब गिरफ्तारी के दौरान जब सतनाम समाज का जो झंडा है वो जब देवेंद्र यादव के पैर के पास आ गया था तो विधायक खुशवंत साहब ने इसका विरोध किया था कि ये सतनाम समाज का अपमान। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के जेल जाने के बाद सियासत जो है गर्मा गई है और युवा कांग्रेस का आप देख सकते हैं लगातार आंदोलन चल रहा है। कितना तेजी से देखिए, देखते हैं तेरे तमन्ना कितना दम है और इनके विष्णुदेव साय के जेल में कितना दम है। आज देवेंद्र यादव जी के जो उन लोगों को फंसाया गया, हमारे नेता को देवेंद्र यादव जी को जो सतनामी समाज के निर्दोष युवक की लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनको पूरा प्रदेश जान रहा है कि इनको बेवजह बताया गया है। इसीलिए आज युवक कांग्रेस जेल भरा आंदोलन करने आई है। जहाँ देवेंद्र यादव, एक देवेंद्र यादव को अपने अंदर डाला, आज हजारों देवेंद्र यादव यहाँ पे मौजूद है, हम सबको जेल के अंदर डाल दीजिए। ताले टूटेंगे, नारायण भैया छूटेंगे। 18 से भी ज्यादा मामले दर्ज कर दिए गए हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, ये विष्णुदेव सरकार है जो देवेंद्र यादव जी के साथ, उनका पर्दा साफ 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 है कि वो किस नियत से देवेंद्र यादव जी को अंदर डाली है। वो 20 केस लगाए, 40 केस लगाए, कोई औचित्य वाली बात नहीं है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। बाहर आंदोलन करेंगे, सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे और कानून से इस जीत को जीत कर आएंगे। सत्य में हो जाते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बिल्कुल, कपड़े तक उतार के आपने फेंक दिया। हमारे झूमा झपटी में मेरा कपड़ा फटा है जिसे मुझे मजबूरन उतारना पड़ा, और देवेंद्र यादव जी के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो एक सच्चे नेता है, भिलाई को उसकी जरूरत है, भिलाई की जनता उनसे प्यार करती है। कितना लंबा ये आंदोलन चलने वाला है? ये आंदोलन जब तक देवेंद्र यादव वापस इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के सामने जीत कर इस भिलाई विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे, तब तक युवक कांग्रेस घर से निकल के सड़क तक ये आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है, बाकी आप सामने तस्वीर में देखिएगा कि आंदोलन जो है युवा कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कांग्रेसी साथ में और मौजूद है। जी, ये विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा षड्यंत्र पूर्वक देवेंद्र यादव जी को जेल में डाले हैं। कवर्धा में साधराम गौ सेवक जो है साधराम यादव, उनकी हत्या होती है, देवेंद्र यादव आवाज उठाता है। कवर्धा में 8 साल के बच्ची के साथ रेप होता है, देवेंद्र यादव आवाज उठाता है। सतनामी भाइयों को बिना किसी कसूर के ये साय सरकार और गृह मंत्री जेल में डालते हैं, उसके खिलाफ देवेंद्र यादव अपना आवाज उठाते हैं। हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक देवेंद्र यादव सत्ता। पूर्व मुख्यमंत्री ने कल दुर्ग SP को गुंडा कहा है, उसके लिए देखिए, जिसका जैसा चरित्र है वो वैसा सुनता है। अब अगर किसी की प्रवृत्ति जैसी रहेगी तो हमारे नेता, हमारे जो यूथ कांग्रेसी है, बड़े नेता है, उसके बारे में जरूर बोलेंगे। बिल्कुल, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। जी, जब जब छत्तीसगढ़िया समाज के साथ अनाचार और अत्याचार हो तब तब कांग्रेस पार्टी सामने आए। आदरणीय देवेंद्र यादव आज जेल में है, जब तक जेल में चला रहेगा आना जाना बना रहेगा, और हम जेल जाएंगे, पूरा संगठन जेल जाएगा, पूरा कांग्रेस पार्टी जेल जाने के लिए तैयार है। विष्णुदेव साय के सरकार में जितना दम है लगा ले और पूरा कांग्रेस के लिए व्यवस्था कर ले, जेल जाने के लिए हम तैयार है और नहीं डरेंगे, कभी नहीं डरेंगे। भूपेश बघेल गुंडा कहीं से SP दुर्ग लाओ, ओकर पर क्या कहना? अरे गुंडा की करत है मना, ये मन है विष्णुदेव साय सरकार के कठपुतली है, ये मन है एक आम इंसान ना जेल में डाले काम करत है, ये गुंडागर्दी करत है। हमारा आदरणीय भूपेश बघेल जी बिल्कुल सही बोले, समर्थन कर दोनों बात के। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं ना, आप देख सकते हो कि किसे जोरदार तरीके से आंदोलन चले थे। बोला छुपा के लिए निर्दोष जेल में डाला,
महीना को विष्णु दस सरकार के साथ है, विष्णु दस सरकार के कि देवेंद्र से एक युवा विधायक जेल में डलाते हुए आप देख सकते हो कि कैसे प्रदर्शन चल रहा है। लगातार जो लोग हैं सामने बैरिकेडिंग तोड़ने का सेक्टर 6 थाने में प्रदर्शन चल रहा है उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं तस्वीर में कितना जिंदाबाद जिंदाबाद। और बात कर लेते हैं ये प्रदर्शन कब तक चल रहा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जी को छोड़ नहीं देते। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, लोगों में हुजूम ऐसे चलता रहेगा तत्काल प्रभाव से। कपड़े तक फट जा रहे हैं आप लोगों के आंदोलन करते हुए, कपड़े यहाँ पे लोगों के दिल फट गए। 1,07,000 लोगों के वो जनप्रतिनिधि है उनको बिना किसी एविडेंस के उनको अंदर किया गया है। एक एविडेंस दिखा दीजिए जी, ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई गवाह है, ना कुछ है, उनको उठा के डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो एक समाज का एक रहनुमा बनने के लिए निकला था, उनका सिर्फ समर्थन करने गए थे ना, वहां पे कोई बमबारी तो की नहीं थी, पर एक समर्थन पे उनको इतना तकलीफ हुआ कि वो अपनी विफलताओं को छुपाने करके लिए हमारे नेता श्री देवेंद्र यादव जी को इस पूरे षड्यंत्र में रच के उनको अंदर किया गया। 20 मामलों में आरोपी बनाया गया है, लगभग क्या क्या मामले हो सकते हैं? और डरने वाले नहीं है कांग्रेसी भाई, डरने वाले नहीं है। देवेंद्र यादव वो नाम है, देवेंद्र यादव वो नाम है जो झुकने वाला नहीं है। 20 क्या 200 भी लगा दो, लोग इसी तरीके से निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। कल भी दुर्ग कलेक्ट्रेट में आंदोलन किए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, दुर्ग एसपी को गुंडा कहा है। गुंडागर्दी तो चल रही है, पहले ही कर चुके हैं गुंडागर्दी, निर्दोष को अंदर करके। वो दो हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष है, उसने क्या किया था? वो कुछ किया था क्या? लेकिन उसको उठा के डाल दिए, वो गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? अपने आकाओं के सिस्टम से चल रहे हैं। बता देना चाहता हूँ, समय का फिर बहुत बलवान होता है, समय सबसे बलवान होता है, चक्र जरूर घूमेगा। तो ये जितने भी अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं वो ये याद भूले मत कि समय बहुत बलवान है और जरूर घूम के आएगा। आगे चलते हैं और आप देख सकते हैं युवा कांग्रेस जो है यहाँ पर आज या फिर आंदोलन कर रही है, कल दुर्ग में आंदोलन और इसके साथ ही आप देख सकते हैं जी जिला। हमारा कहना यही है जब तक हमारे नेता देवेंद्र यादव जी को जमानत नहीं मिलती तब तक ये प्रदर्शन लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में चलता रहेगा। हर ब्लॉक हर गली में जाके हम लोग ये प्रदर्शन करेंगे जब तक ये साबित ना हो जाता कि हमारे जो नेता है वो निर्दोष है, जबकि उनको इनके पर जितनी भी धारा लगी है किसी भी एक धारा का सबूत नहीं है। हमारे देवेंद्र यादव जी ने खुद ये बोला कि मेरी आईडी को छोड़ के कहीं आसपास मामलों में आरोपी बनाया गया, आरोपी बनाया गया, लेकिन उस आरोप का कोई पेपर अभी तक उनको पेश नहीं किया गया, जबकि उन्होंने खुद चैलेंज किया है कि अगर आपके पास मेरी आईडी के अलावा अगर कोई दूसरा कोई ऐसा सबूत है कि मैं वहां गया था या मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया था तो आप उसका एविडेंस मेरे सामने तो लाए, लेकिन आज तक प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया। और जब तक ये अन्याय होता रहेगा तब तक युवा कांग्रेस हर जगह खड़े होकर ऐसे प्रदर्शन करती रहेगी, जब तक जमानत नहीं मिलेगी तब तक और जब भाजपा ऐसे कुछ ना कुछ अन्याय करते रहेगी तब तक युवा कांग्रेस उसका विरोध करती रहेगी। ठीक है, बाकी और बात यहाँ पे जो हो रहा कंटिन्यू जो देवेंद्र जी पर कंटिन्यू एलिगेशन लगा रहे हैं, एफआईआर पे एफआईआर करा रहे हैं, हम उसके विरोध में हम आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि झूठे आरोप झूठे षड्यंत्र में उनको हर बार फंसाया जाता है। ये बीजेपी सरकार उनसे डरती है, इस वजह से ये सारे चीजें कर रही है और पुलिस प्रशासन भी उनके साथ मिली हुई है। ये यहाँ से उनको बिना कोई सबूत के बिना किसी रीजन के यहाँ से उठा के वहाँ पे लेके गए और जबरदस्ती का कितने सारे धाराएं लगा दी, ये गलत है और हम इस चीज का विरोध करते हैं। ठीक है, बाकी देखने वाली बात होगी कि आगे कितने समय तक यह आंदोलन चलने वाला है। ये सिर्फ ट्रेलर है, कल पुलिस से आप ही की छीना चपटी हो गई थी। मेरे पीछे अगर कोई लेडीज खड़ी है, महिला खड़ी है, आप मेरे को उसके ऊपर ढकेलेंगे, गलत तरीके से गाली गलौज करें। इस बार में वायरल भी हो गया, वो ट्रेंडिंग हो गया। मैं वायरल हूँ या जो हूँ मैं अपने अपना कर रहा हूँ, मेरे को महिलाओं के ऊपर धक्का दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है बताओ? कोई महिला मेरे पीछे अगर खड़ी है तो कहाँ तक ये सही है? ये साय सरकार की पुलिस है और सिर्फ ट्रेलर है। क्या है? ट्रेलर है। जब पिक्चर दिखाने आएंगे ना तो ये सरकार कहाँ रहेगी आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। सरकार कहाँ से कहाँ चल जाएगी, ये खाली पकड़ फंसाया गया है सीबीआ को। हाँ अभी देखो आगे और क्या क्या होता है, देखते जाइए। सीएम साय सर ने कहा था ना देवेंद्र यादव कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, तो बताना चाहेंगे कि देवेंद्र भैया के साथ देवेंद्र भैया की लाखों हजारों बहनें इस बार राखी नहीं बांध पाए, देवेंद्र भैया के साथ हजार बहन हजार भाई खड़े हैं,
देवेन भैया अकेले नहीं हो, वाकई में देवेन भैया के साथ अगर लाखों भीड़ है, लाखों छोटे भाई उनके साथ खड़े, तो देवेन भैया छोटे मोटे आदमी नहीं है। जेल में तबियत खराब हो रही है, लेकिन वो कभी डरने वाले कभी थकने वाले आदमी नहीं है। हम देवेन भैया कार्यकर्ता है, एनएसयू कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम भी नहीं थकने वाले। देवेन भैया कहीं कमजोर नहीं है, ये विष्णु देसाई ने अपने मुंह से बोला है, तो हम ये चीज को बहुत अच्छे से साबित करके उनको बताएंगे कि कहां कमजोर नहीं है। बाकी आज जो है युवक कल कलेक्ट्रेट में आंदोलन करने के बाद आज सेक्टर 6 पुलिस थाने के सामने घेराव किया गया, आंदोलन किया गया, और कांग्रेसियों का कहना है कि जब तक देवेन यादव विधायक बिलाई नगर देवेन यादव को जमानत नहीं मिल जाती तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आगे क्या कुछ अपडेट इसमें होता है, विधायक देवेन यादव को लेकर क्या कुछ नया अपडेट आता है, कब उन्हें जमानत को लेकर नई नोटिस आती है, वो सब हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तब तक बने रहिएगा बिलाई टाइम के द्वारा चैनल में, आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। और सियासत जो है वो गर्मा गई है, आगे अपडेट आपको लगातार बिलाई टाइम बताते रहेगा। आकाश कनौजी हमारे साथ मौजूद, कब तक ये आंदोलन चलेगा? जब तक माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी को रिहा नहीं किया जाता, हम सभी युवा कांग्रेस एनएसयूआई एवं वरिष्ठ कांग्रेस के साथी लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज जेल भरो आंदोलन के रूप में कार्य किया गया है, आगे भी आने वाले समय में लगातार हड़ताल व विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देख लेते हैं शायद सरकार में कितना दम है और कितना हम सभी को दबा सकती है। पर एक बात याद रखिएगा, हर चीज का अति का अंत होता है, शायद सरकार के अति का भी अंत होगा, और इनके में कितना दम है हम भी देख लेते हैं। ये कितना दिन हमको रोकेंगे और हम कब तक नहीं थकेंगे हम भी देख लेते हैं। जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और पूरी भाजपा और शायद सरकार की पुलिस को मेरा चुनौती है कि अब हमको रोक के दिखा ले जिनके में दम है, और हम रुक गए तो हमारा नाम बदल देना। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक जमानत नहीं मिल जाती तब तक यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आने वाले अपडेट आपको लगातार बताते रहेंगे, बने रहिएगा चैनल के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और बिलाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं। बड़ौदा बाजार कांड के बाद देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कल भी प्रदर्शन हुआ, आज भी हुआ, कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, थाने का घेराव किए, साथ ही अपनी गिरफ्तारी की मांग की। लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा ऐसे कार्यकर्ताओं का कहना है। आज राजनांदगांव में है और राजनांदगांव में पूरे जिले भर के जो युवा कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो थाने का घेराव करने आए, लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आ गया है, और इसी बीच उनकी गिरफ्तारी बस होने वाली है। हम युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर उस देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद उनमें कितना विरोध है। आपको बता दें कि बड़ौदा बाजार कांड जो छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के मुंह में एक काला तमाचा है, क्योंकि आजाद भारत में छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह की आगजनी की घटना हुई थी। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ के मुंह में एक काला तमाचा है, क्योंकि इस प्रकार की घटना छत्तीसगढ़ में और कभी नहीं हुई थी। यहाँ तक पूरे भारत में कभी कलेक्ट्रेट को जलाई नहीं गई थी। इस बीच कुछ बड़े नेताओं का भी नाम, कांग्रेस के नेताओं का भी नाम सामने आया था। पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी, 170 से ज़्यादा इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, और इस मामले में लगभग 10 करोड़ की ज़्यादा संपत्ति को जलाई गई थी। ऐसे में जब 170 गिरफ्तारी हुई तो ये सवाल उठ रहे थे कि इसमें नेताओं के नाम क्यों सामने नहीं आ रहे। अब नेताओं की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है कि यह गिरफ्तारी महज बीजेपी के एक राजनीतिक संयंत्र है, वो राजनीति पूर्वक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करी। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या कांग्रेस जो गिरफ्तारी के बाद लगातार विरोध करके कोई विक्टिम कार्ड भी खेल रही है कि हम यहाँ आए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर इस गिरफ्तारी को लेकर उनमें कितना आक्रोश है। पुलिस युवा कांग्रेस को जो है वो गिरफ्तार करना शुरू कर चुके। इसी बीच हमारे साथ निखिल त्रिवेदी है जो देवेंद्र यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। युवा जो है वो आज युवा कांग्रेस की टीम जो है वो गिरफ्तारी देनी है, क्या ये जो प्रदेश में जो सरकार चल रही है निकम्मी सरकार, जिस तरीके से युवाओं की आवाज़ देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर ली है, ना तो देवेंद्र यादव ने किसी तरह का भड़काऊ भाषण दिया है, ना उनके प्रति उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत है पुलिस के पास, लेकिन ये सरकार जो है वो देवेंद्र यादव से डरी हुई है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी इसका संकेत है कि ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है, उसका लगाम छत्तीसगढ़ पर बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही सतनाम समाज के जो हमारे युवा साथी हैं उनके साथ भी जो जाति सरकार कर रही है, निरंतर कर रही है, उसके विरोध में आज जेल भरो आंदोलन का ये हजारों युवा इकट्ठा हुए हैं, और जेल भरो आंदोलन का एक कार्यक्रम राजनांदगांव में लगातार जारी है। 170 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें से कुछ कांग्रेस पदाधिकारियों के नाम भी है। इसके बाद जब महादेव ऐप के मामले में सीबीआई जांच करी है, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भूपेश बघेल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये जो सरकार है ये कुछ भी कर सकती है, ये किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकती है। इस सरकार को कभी नान घोटाले के बारे में सूद लेने की जरूरत नहीं है। इसके पहले बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, पनामा पेपर्स लीक का घोटाला हुआ, उसकी जांच करा ले सरकार, नान घोटाले की जांच करा ले सरकार, उसका हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच करा ले सरकार, आज तक इसमें जांच आगे क्यों नहीं पड़ती। दरबा में जो हमारे समाज शहीद उदय मुतलियार जी के घर के सामने ही प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। आज तक दरबा कांड का
जांच पूरी नहीं कर पाई है सरकार। मैं मांग करता हूं सरकार से सारी जांच पूरी कर ले, हमें गिरफ्तार कर ले, पूरे प्रदेश के कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर ले, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सतनाम समाज के युवाओं के साथ जो जाति हो रही है, जो देवेंद्र यादव के साथ जाति हो रही है, उसके खिलाफ लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जब कांग्रेस नेताओं के घर में ईडी की टीम दबिश देती है, तब कांग्रेस ईडी दफ्तर जाके विरोध प्रदर्शन करती है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो थाने का घेराव करती है। ऐसे में जब कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी होती है या ईडी टीम दबिश देती है, तो इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन आप लोग का लगातार जारी रहेगा। ये लगातार जारी रहेगा। कभी भी अन्याय के खिलाफ जब जब आवाज उठेगी, हम सब एक रहेंगे। कांग्रेस के सारे सिपाही एक साथ मिलकर हम अपने नेताओं को, अपने साथियों को बचाने के लिए हमेशा सड़कों पर उतरेंगे। पुलिस गिरफ्तारी करना चालू कर दी। हाँ, 172 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी, लगातार गिरफ्तारी हो रही है। तो देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस के नेताओं में, पदाधिकारियों में काफी आक्रोश है। और भी हमारे साथ शहर अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा है। आज कांग्रेस जो है वो अपनी गिरफ्तारी देने थाने का घेराव करने आई। बलौदा बाजार का जो घटनाक्रम है, आप लोग सब देख रहे हैं, जिस प्रकार से मुझे सत्तावी समाज की भावनाएं आहत हुई है, वहाँ पे मुझे सत्तावी समाज के प्रतीक, हमारे जो है धार्मिक भावनाओं के प्रतीक जैद खान कुछ साथ छेड़छाड़ की गई, और जिस प्रकार से उसका जांच की मांग करने के लिए मुझे सत्तावी समाज ने जब सीबीआई से जांच कराने की मांग की भाजपा सरकार से, तो भाजपा सरकार ने ठुकरा दिया। और उसके बाद जब वहाँ पे आंदोलन धरना प्रदर्शन बाबत जांच की मांग के लिए बातें रखी थी, तो उसमें यहाँ पर 170 लोगों को, हमारे जो सत्तावी समाज के साथी हैं उनको, हमारे प्रदेश, हमारे कांग्रेस के सम्मानित विधायक देवेंद्र यादव जी को पुलिस बल ने अंदर कर दिया। ये जो कुठाराघात कर रही है, जो पावर का दुरुपयोग भाजपा सरकार कर रही है, इसमें भाजपा सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। भाजपा के लोग हैं वहाँ पे इस कृत्य को करने वाले निश्चित रूप से, तभी भाजपा सरकार उल्टा यहाँ पे लाठी भय पुलिस का दिखाकर सबको यहाँ पर अंदर कर रही है, और इसको भावनाओं को कुचलने का और इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। इसी के लिए कांग्रेस दिन लगातार, जैसे कि 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया हमारे द्वारा, उसके बाद 24 तारीख के जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया, आज युवा कांग्रेस द्वारा गिरफ्तारी धरना दिया गया है। आगे भी इसके न्याय के लिए कांग्रेस अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेगी और न्याय लेके रहेगी। युवा कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है, थाने का घेराव किया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे। ऐसे में हमारे साथ युवा कार्यकर्ता माना देशमुख है। थाने का घेराव किया जा रहा है, कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक? 200 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है, 300 से अधिक लोग यहाँ उपस्थित है, 500 की संख्या में एक बड़ा आंदोलन कर हम यहाँ गिरफ्तारी दी है। 74 दिनों के बलौदाबाजार आग जीने को भाजपा सरकार विजय शर्मा अपनी नाकामी छुपाने के लिए विधायक देवेंद्र यादव और बेकसूर सतनामी समाज के युवा और कांग्रेसी को टारगेट कर रही है। ये अपना नाकामी छुपा रही है, फर्जी धाराएं लगा रही है। हम उन पर निष्पक्ष जांच और जल्द से जल्द रिहा करने की अपील करने के लिए आज यह आंदोलन करें। लगातार आप लोग कांग्रेस जिंदाबाद के अलावा जय सतनाम के भी नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे क्या? सतनामी समाज का जब जैद खान क्षतिग्रस्त हुआ, उस पर भाजपा सरकार सामने नहीं आई, उस पर कोई जांच नहीं हुई। जब भाजपा सरकार उसमें कुछ कर नहीं पाई, जब आंदोलन किए सतनामी समाज के सम्मानित जन और कुछ उपद्रव द्वारा जब आगजनी हो गई, तो आज यह सतनामी समाज के बेकसूर युवाओं को और सतनामी समाज से जुड़े अन्य पदाधिकारी को गिरफ्तार कर रही है, और महीनों हो गए गिरफ्तार करे, उनके सम्मान में उनको रिहा कराने के लिए भी आज यह आंदोलन है, इसलिए जय सतनाम के नारे लग रहे हैं। कांग्रेसी हमेशा बोल रहे कि हम सतनाम समाज के साथ है। ऐसे में जब गिरफ्तारी के दौरान जब सतनाम समाज का जो झंडा है वो जब देवेंद्र यादव के पैर के पास आ गया था, तो विधायक खुशवंत साहब ने इसका विरोध किया था कि ये सतनाम समाज का अपमान है। माननीय देवेंद्र यादव जी कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष सतनामी समाज के लिए खड़े रहे हैं, गिरौदपुरी के दर्शन करने जाते हैं, गुरु घासीदास बाबे के अनुयायी हैं। भीड़ में किसी आंदोलन के दौरान, किसी प्रदर्शन के दौरान इस प्रकार की मानवीय भूल हो जाती है, लेकिन इस चीज को प्रोपेगेंडा बनाना भाजपा का काम है। भाजपा सतनामी विरोधी आज सामने आ गया है। कितनी माओं का घर आज सुना है, कितनी भाइयों, कितनी बहनों की कलाई खाली रही राखी में, सतनामी समाज पीड़ित है, जिसका कारण है भाजपा सरकार, विष्णुदेव साय सरकार। युवा कांग्रेस अपनी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ है और युवा नेताओं से बातचीत करेंगे। हमारे साथ पार्षद ऋषि शास्त्री है।
लगातार देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कल भी बड़ा प्रदर्शन हुआ, आज थाना घेराव है। देखिए, जब जब युवा जागा है वो सरकार को गिरा कर दिखाया है। आज देवेंद्र यादव के पक्ष में पूरे प्रदेश में इस काले कानून व्यवस्था को लेकर के, ऐसे कानून व्यवस्था आज आप देख रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, गौ माता की तस्करियां बढ़ रही है, लगातार महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। और एक और सतनामी समाज के लिए जो देवेंद्र यादव जो युवा विधायक जन प्रतिनिधि खड़ा हुआ, उसे बिना किसी जांच के बिना किसी इल्जाम के जेल में डाला गया है। उनकी रिहाई के लिए, सतनामी समाज के निर्दोषों के लिए आज युवा यहां पर कोतवाली थाना घेराव के लिए आया और अपनी सैकड़ों हजारों संख्या में युवा गिरफ्तारी देगा। पूरे जितने भी नेता है, पदाधिकारी है, वो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के अलावा सतनाम समाज जिंदाबाद का भी नारा लगा रही है। उसी तरफ गुरु खुशवंत साहब जो विधायक है, उनका कहना है कि देवेंद्र यादव जो है वो सतनामी समाज का अपमान किया, झंडा को गिराया है गिरफ्तारी के दौरान, जब वो कार में खड़े होकर गिरफ्तारी दे रहे थे। देखिए, देवेंद्र यादव जब गिरफ्तारी देने आए, सतनामी समाज के लिए आए, और उनके हाथ में पताका था सतनामी समाज का, वो शांति का प्रतीक दे रहा था, और दूसरे हाथ में संविधान की किताब थी। तो जो शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए अपने दोनों हाथों में लेकर के जन के लिए, जनता के लिए गिरफ्तारी दे रहा है, तो किस हद से वो गलत हो सकता है। हाँ, चूक होती है, मानवीय चूक होती है, उस चूक को हमें कभी कभी अनदेखा करना होता है, क्योंकि दिल में श्रद्धा है, थोड़ी सी चूक हुई तो माफी योग्य होती है। देखा जाता है देवेंद्र यादव युवाओं के काफी चहेते हैं, यूथ कांग्रेस से उभर के आए हैं, ऐसे में युवा जो है उनके लिए कितना प्रदर्शन करेंगे अगर उनकी गिरफ्तारी लगातार जारी रही। मैं देवेंद्र यादव को निजी तौर से पिछले 12 सालों से जानता हूं, पहचानता हूं। मैं एक NSUI कार्यकर्ता, RGSSU का कार्यकर्ता रहते हुए आज जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद बना हूँ, पार्षद दल प्रवक्ता हूँ। निश्चित ही देवेंद्र यादव आज से नहीं, पिछले 12 सालों से युवाओं के उत्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित ही हम उसका साथ देंगे। लगातार पूरे जिले भर से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता है, कहाँ से आए आप? मैं यहीं से आया हूँ, राजनांदगांव NSUI विधानसभा अध्यक्ष। देखा जा रहा है सब बहुत ज्यादा युवाओं में विरोध है, किस बात को लेकर है और कब तक ये विरोध जारी है? देखिए, हमारे पूर्व अध्यक्ष NSUI के हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारे भैया, बड़े भैया देवेंद्र यादव जी को बलपूर्वक बिना किसी विरोध, बिना किसी कार्यवाही, मतलब ऐसी लेकर चले गए उठा के, बिना कुछ बताए, मतलब क्या किए क्या बैठे बस थे। वहाँ गुरु घासीदास जी का जो लगा हुआ था जैत खाम, उसमें BJP के 20 गुंडे नागपुर से आए थे, उन लोग के हैं, उसके वजह हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी को उठा के ले गए। इसके विरोध में हम लोग आज बैठे हैं, और जब तक हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। बड़ौदा बाजार कांड, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के मुंह में काला तमाचा है। आजाद भारत में ऐसी पहली घटना घटी है, इससे पहले इतनी खतरनाक घटना, इतनी हिंसक घटना घटी नहीं थी छत्तीसगढ़ में। ऐसे में जब प्रतिनिधित्व करते हैं देवेंद्र यादव उस आंदोलन का, तो गिरफ्तारी का सवाल तो उठेगा ही। देखिए, वहां पे ना देवेंद्र यादव जी ने ना कोई भाषण दिया है, ना किसी को बोला है कि तुम जाके वहां आग लगा। देवेंद्र यादव जी सिर्फ उस सतनाम समाज को अपना योगदान, अपना सहयोग देने गए थे, ना कि ये बोले थे कि तुम वहां आग लगा के जाओ। वहां से नागपुर से आदमी आए थे, 200 आदमी, आप उसके बारे में पता कैसे नहीं लगा सक रहे? आपने देवेंद्र यादव जी को बिना किसी चीज के आप उठा के ले जाते हो। वो निर्वाचित विधायक है, 2-2 बार का, 1 बार का महापौर है, उसको आप बिना वारंट, बिना किसी चीज से आप अंदर ले गए। लगातार देख रहे हैं कि युवा कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, विष्णु देव साय के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच हमारे साथ राजा यादव, प्रदेश महासचिव है NSUI के, कांग्रेस युवा जो है वो आज जो कार्यक्रम हो रहा है देवेंद्र यादव यहाँ करो, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लेकर आज तक पूरे प्रदेश में जितने भी युवा है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे कोई भी पद में हो, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्योंकि सबको पता है कि BJP की जब से सरकार है कब से अभी तक उन्होंने मात्र अपराध को बढ़ावा दिया है, कोई योजना को लॉन्च नहीं किया है, किसी भी प्रकार को जनता को राहत नहीं मिला है। अपराध इतनी मात्रा में बढ़ गया है कि लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ छोड़ के। ये बहुत ही सब रोज आए दिन पेपर में रेप की खबर आ रही है, मर्डर हो रहा है किसी का, ये सब क्या हो रहा है? और विधायक को गिरफ्तार किया जा रहा है तो सोच सकते हो, जो जनता की आवाज उठा रहा है, जो जनता के समर्थन में जाता है, उस विधायक आज उठाया जा रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुखिया कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव कोई मामूली आदमी नहीं है, छोटा आदमी नहीं है, विधायक है, उनकी गिरफ्तारी जायज है, कहीं ना कहीं वो इसके पीछे शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जेल के ताले टूटेंगे, देवेंद्र यादव छूटेंगे, मुख्यमंत्री जी का कहना बहुत सही है। वो छोटे आदमी नहीं है, वो एक
सामान्य कार्यकर्ताओं से बढ़कर आज यहाँ तक पहुँचे विधायक तक, वो हर व्यक्ति तक के जन जन के नेता है। बीजेपी द्वारा सरकार 6 महीने में सरकार चला नहीं पा रही है। एक बड़ौदा विहार की जो घटना है पूरे देश भर में कलंकित करने वाली घटना है, और देवेंद्र यादव जी ने वहाँ जाके सतनामी समाज का सम्मान किया था, उनके पक्ष में वहाँ बैठे थे, और ना ही कोई घटना को उन्होंने वहाँ कोई किसी को भड़काया ना वो कुछ किया। उसके बाद भी देवेंद्र यादव को पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया। आज पूरे फैगड़ो कार्यकर्ता राजनांदगांव NFL वीओ कांग्रेस द्वारा आज उनके रिहाई की मांग के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज थाना घेराव करने आज यहाँ एक दिवसीय थाना घेराव कोतवाली थाना किया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र यादव जी को बिना कोई प्रूफ के ये प्रशासन ने अंदर किया है। हमारी मांग है कि उन्हें से जल्द रिहा किया जाए। अगर लगातार देवेंद्र यादव जेल के अंदर रहेंगे तो आंदोलन जो अनवरत जारी रहेगा? नहीं, ये तो अभी हम लोग कम हालात में मौजूद है। अगर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को हम लोग रिहा नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे और पूरा जेल भरा। देखा जा रहा है कि लगभग 170 से ज्यादा गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में देवेंद्र यादव जो है वो प्रतिनिधित्व किए थे उससे बड़ौदा बाजार जो कांड हुआ था जिससे विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें यादव जो है प्रतिनिधित्व किए थे। इस आधार पर उसका एक ही सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी एक वीडियो प्रूफ अगर सरकार दिखा देती है, प्रशासन दिखा देती है तो मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूँ। उनके पास बिना कोई प्रूफ के षड्यंत्र पूर्वक उनको अंदर किया गया है, उसी के रूप में आज हम लोग यहाँ सड़क पर तो देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी है वो थाने का घिराव करने वाले हैं, अपनी गिरफ्तारी को लेकर बैठे हुए हैं। आज युवा कांग्रेस के द्वारा जो है कोतवाली थाने के घिराव की सूचना दी गई थी अपनी मांगों को लेकर। इस संदर्भ में आज इनको पोस्ट ऑफिस चौक में बैरिकेड लगा के रोका गया है और लगभग 100 के करीब इनकी गिरफ्तारी हुई है और कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा इनको निःशर्त रिहाई दी।